सर्वसम्मति से पास हुआ तो इसकी कोई गुंजाइश नहीं रहेगी, सब लोग सहमत थे। जब पार्लियामेंट में मना किया गया कि भाई भारत सरकार जो है जाति जनगणना जो है वो नहीं कराएगी, तब हम लोग थोड़े बेचैन हुए और हमने विधानसभा में इस बात को उठाया और दो प्रस्ताव रखे थे कि प्रधानमंत्री जी से मिले या तो राज्य सरकार मना कर देती है भारत सरकार, तो राज्य सरकार अपने खर्चे पे कराए, तो ये हम लोगों ने किया। उसके बाद कई देर विलम्ब हुआ, चलिए विलम्ब हुआ क्या कारण था अब हमको उस पर नहीं जाना, लेकिन ये हमारी जीत है, ये लालू जी की जीत है और ये बिहार के गरीबों की सभी लोगों की जीत है। इससे पता चलेगा भाई कौन दिहाड़ी मजदूर है। और लगातार शुरू से ही इसकी लड़ाई जो है आदरणीय लालू जी ने लड़ी, पार्लियामेंट में भी सवाल उठाएं और जातीय जो गन्ना है आपका सोशियो इकोनॉमिक खास सेंसेस जो हुआ था वो हुआ। बाद में बीजेपी की सरकार आती है तो उस समय अरुण जेटली जी का बयान आता है कि जो डेटा है वो करप्ट हो गया है, तो कहीं ना कहीं से जो इतना देश का सबसे महंगा जो सेंसस हुआ उसका कोई डेटा हम लोगों को नहीं उपलब्ध हो पाया। और ये सब लोग जान रहे कि ये हम लोगों के प्रस्ताव से, लालू जी की लगातार लड़ाई से बिहार विधानसभा में दो बार पारित हो गया, तो ऑल पार्टी तो था ही, सर्वसम्मति से पास हुआ तो इसकी कोई गुंजाइश नहीं रहेगी, सब लोग सहमत थे। जब पार्लियामेंट में मना किया गया कि भाई भारत सरकार जो है जाति जनगणना जो है वो नहीं कराएगी, तब हम लोग थोड़े बेचैन हुए और हमने विधानसभा में इस बात को उठाया और दो प्रस्ताव रखे थे कि प्रधानमंत्री जी से मिले या तो राज्य सरकार मना कर देती है भारत सरकार, तो राज्य सरकार अपने खर्चे पे कराए, तो ये हम लोगों ने किया। उसके बाद कई देर विलम्ब हुआ, चलिए विलम्ब हुआ क्या कारण था अब हमको उस पर नहीं जाना, लेकिन ये हमारी जीत है, ये लालू जी की जीत है और ये बिहार के गरीबों की सभी लोगों की जीत है। इससे पता चलेगा भाई कौन दिहाड़ी मजदूर है, कौन जो है माइग्रेट करके रहता है, कौन ढेला धोता है, कौन ठेला ढोता है, कौन कचरा साफ करता है, कौन भूमिहीन है, कौन भीख मांगता है, इससे जो स्पष्ट पता चलेगा और काफ़ी फायदा जो है इस चीज़ की होगी। आज भी हम लोगों ने सुझाव में हम लोगों ने सब कुछ रखा कि इसमें एंथ्रोपोलॉजिस्ट भी होने चाहिए, सोशल जो एंथ्रोपोलॉजिस्ट होते हैं ताकि जो डेटा कलेक्ट करें तो उसमें सब चीज़ को कलेक्ट करके एक रूपरेखा जो है वो बताने का काम किया है। एंथ्रोपोलॉजिस्ट जो है वो मंडल कमीशन जब था उस समय भी रखा गया था, क्योंकि कई जातियाँ उपजातियाँ हैं, कई नाम हैं, तो एक सही फिगर जो है उनके सामने आएगा तो उसका विश्लेषण ये बता सकते हैं कि कैसे क्या है। तो एक तो ये था, एक हम लोगों का था कि भाई जगह नहीं, ये लीगली कोई बाधा ना बने तो इस पर भी क्योंकि दिखवा लेना चाहिए और उसकी शुरुआत करनी चाहिए, तो वो भी जो है बाधा दूर हो गई। और ये तो जातीय आधारित गणना यानी कास्ट बेस्ड जो है सर्वे, इसका जो है नाम है, इसका जो है नाम है और ये कास्ट बेस्ड सर्वे है ना कि सेंसस, तो ये स्पष्ट हो जाना चाहिए सभी लोगों को कि ये जातीय आधारित गणना है यानी कास्ट बेस्ड सर्वे ये हो रहा है, तो ये हम लोगों की जीत है। और सारी चीज़ें, एक चीज़ और है महत्वपूर्ण था कि भाई खर्चा जो होगा ये बहुत ही महंगा होगा, इसका खर्च बहुत लगेगा। देखिए बिहार पिछड़ा राज्य है, गरीब राज्य है और ये तो पूरे देश में हो जाता अगर बीजेपी केवल एक कॉलम जोड़ देती, तो जितना खर्चा में सेंसस हो रहा है देश का जो एप्लीकेशन द्वारा हो रहा ही था, तो उतना किसी राज्य पे ये अतिरिक्त बोझ नहीं पड़ता। अगर एक कॉलम ही माना था बिहार में मान गई तो देश में मानने में क्या जरूरत, कौन सी बुराई थी भाई, हर स्टेट अपना अपना करा ही रहा है। तो ऐसे जो कमज़ोर आर्थिक रूप से जो हमारी जो कमज़ोर स्टेट है, जो गरीब राज्य है, जो पिछड़ा राज्य है, तो हमने ये कहा कि भाई 40 में से 39 तो एनडीए के एमपी हैं, 40 में से 39 जब एनडीए के एमपी हैं, यहाँ भाजपा 4 ही है, हम लोगों की संख्या राज्यसभा में है और एक कांग्रेस के लोकसभा में है, तो हम लोग जो है इस बात को पार्लियामेंट में उठाएं और ये भी मांग करें
कि भाई जो खर्चा जो होगा वो भारत सरकार वह करे। भाई आप स्पेशल स्टेटस की बात करते हैं, स्पेशल पैकेज की बात करते हैं, और यहाँ डबल इंजन की सरकार है, आपको 40 में से 39 MP जिताया है, तो राज्य सरकार तो इसकी शुरुआत कर रही है, वह करेगी ही करेगी, लेकिन मदद करने के लिए भारत सरकार को इसमें आर्थिक रूप से सहयोग करना चाहिए। और ये बात से तो सब सहमत है कि ये जो भी बेस सर्वे हो रहा है, कास्ट बेस सर्वे हो रहा है, ये पूरे देश में होता तो देश हित में है, लेकिन ये बिहार हित में है। तो इससे और कोई जुड़ा हुआ अगर आप लोगों का सवाल है तो हम जो है लाइव बिहार YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।